माँ पद्मावती। माँ दुर्गा का एक ऐसा रूप जो अपने आप में शक्ति समाहित किए हुए है। माँ पद्मावती की सिद्धि से आपकी समस्त बाधाओं का निवारण होता है। आपके जीवन में कैसे भी ग्रह कलेश हो या यूं कहें बाधाएं हो, हर तरह की मुसीबतें दूर होती है। आपके घर में धन की समस्या है, आपसी समंजस ना होती हो, या कोई ऐसी समस्या है जिसका निवारण ना होता हो, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी, हर समस्या का निवारण माँ पद्मावती की आराधना से होता है। माँ पद्मावती का मंत्र है ओम आम क्रोम रीम एम क्लीम होम पद्मावते नमः। अब इसकी विधि समझिए। देखिए, कोई भी मंत्र तब कार्य करता है जब वह मंत्र अपनी शक्ति तक पहुंचता है, या यूं कहे कि एक ट्रांजिशन फेज होता है, जिसे कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे जब हम रॉकेट फायर करते हैं तब रॉकेट को गुरुत्वाकर्षण बल पार करके ब्रह्मांड तक पहुंचने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, उससे अगर आप 1% ऊर्जा भी कम कर देंगे तब भी वहाँ नहीं पहुँचेगा। ऐसे ही मंत्रों की शक्ति होती है। इसीलिए मंत्रों की एक निश्चित अवधि होती है, निश्चित संख्या होती है, और वो भी निश्चित समय में करना होता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने मंत्र जप किया लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, या फिर ये सब कुछ नहीं होता, इससे कोई लाभ नहीं होता। ऐसा नहीं है मित्रों। आपके जीवन में अगर समस्याएं हैं तो कर्म सबसे पहले आवश्यक है, लेकिन अगर आप कर्म में साथ ही साथ आप एक ऊर्जा और समाहित कर ले इन दैविक शक्तियों की, मंत्रों द्वारा, तंत्रों द्वारा, किसी और माध्यम से, तो उससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ऐसे ही माँ पद्मावती के मंत्र को अगर आपको सिद्ध करना है तो इसकी संख्या कुल 13,000 की मिनिमम है। इससे माता रानी प्रसन्न होती है, आपको स्वप्न में दर्शन देने लगेंगी और आपके सभी परेशानियाँ, आपकी मुसीबतों के बारे में आपको स्वप्न में बताएंगी वो अवश्य। और प्रत्यक्ष दर्शन के लिए 125,000 जप कहा गया है। इनकी आराधना आप घर में भी कर सकते हैं। समक्ष आप घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक या तिल का दीपक, तिल के तेल का दीपक, कोई भी दीपक जले, बस दीपक जलता रहे, और उनसे आप संकल्प ले, संकल्प करें, आपकी परेशानियाँ बताएं, आप क्या किस उद्देश्य से कर रहे हैं। उद्देश्य सात्विक होना चाहिए, किसी के नुकसान करने के लिए या आघात करने के लिए ना हो, और माता रानी का आह्वान करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप मंत्र जप आरम्भ करें, प्रयत्न करें, जो भी आप संकल्प लें वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। रोज़ कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा अवश्य बैठे, इससे माँ पद्मावती प्रसन्न होती है। समय निश्चित रखें, जिस समय पर आप रोज़ बैठते उसी समय पर निश्चित तौर पर बैठे, इससे लाभ मिलेगा। और जप के बाद आपको प्रेम पूर्वक माता रानी को कुछ भोग अर्पण करना आवश्यक है। समय निश्चित हो, स्थान निश्चित हो, और सात्विकता के साथ आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। इन 3 चीज़ों का ध्यान देकर के आप माँ पद्मावती की आराधना आरंभ करें। और संख्या कुछ भी हो सकती है, जितना आप गुड़ डालोगे उतनी मिठास बढ़ती है, ये कहावत आपने सुनी होगी। इसी प्रकार से मंत्रों की संख्या के अनुरूप माँ पद्मावती की शक्ति या उनकी प्रत्यक्षता या उनकी सहायता आपको अवश्य मिलेगी। जय माँ पद्मावती।